स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट डीजी क्लासेस। माय नेम इज पूर्णिमा शुक्ल। सो लास्ट क्लास ऑफ योर 12th क्लास चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वी वर स्टडीड अबाउट द क्रोमोसोम्स। नाउ एज अ फंक्शन वी नो दैट क्रोमोसोम्स इज अ कैरियर ऑफ जीन। Okay, so what is gene? Now let's study about the gene. Gene is what? The hereditary unit. The hereditary unit located at some definite place on the chromosome. Chromosome ke ek definite place par DNA segment jo hota hai, wahi gene kehlata hai, and it is responsible for a phenotypic character, specific phenotypic character. Now what is phenotypic character? Phenotype क्या होता है? तो जो external characters जो हमें दिखते हैं किसी भी organism के, like if we are talking about the human being, their color of skin, eyes, hair, height, health, these are what? These are the external characters. Their features. So these are called as phenotype or phenotypic character. Okay, so genes are responsible for their specific character. Like some child is any child is looking like their mother, her mother or his mother, and any one is looking like their father. So why it is? Because of the phenotypic characters that is by transfer from one generation to next generation through genes. So gene is transferred from one generation to next generation. Now gene means what? It is the segment of DNA. DNA का ही एक part होता है, उसी को हम gene कहते हैं, जो कि ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और दैट इज कॉल्ड एज जीन। नाउ अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जीन्स दे आर वेरियस नेम्स आर गिवन टू जीन्स। लाइक फर्स्ट सिस्ट्रॉन। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? इट एनकोड्स अ पॉलीपेप्टाइड गिविंग प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का वो पार्ट, वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस एनकोडिंग करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, उसी को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड दिस इज सिस्ट्रॉन। ओके, एंड इट मेक्स अ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर व्हाट? दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। सो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सिस्ट्रॉन के थ्रू। देन नेक्स्ट इज व्हाट? रिकॉन्स। रिकॉन्स आर व्हाट? दैट पार्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का वो पार्ट जो कि रिकॉम्बिनेशन में टेक अपना पार्ट प्ले करता है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मींस क्रॉसिंग ओवर होता है डीएनए सेगमेंट्स के बीच में, तो वो रिकॉन्स कहलाते हैं। दैट आर कॉल्ड एज रिकॉन्स। देन थर्ड इज म्यूटॉन। म्यूटॉन व्हाट इज दैट? म्यूटॉन इज रिलेटेड टू म्यूटेशन। म्यूटेशन से रिलेटेड होता है म्यूटॉन, मीन्स पार्ट ऑफ सिस्ट्रॉन, वो पार्ट सिस्ट्रॉन का जहाँ पर कि किसी भी डीएनए के सेगमेंट में म्यूटेशन होता है, चेंज आ जाते हैं, तो फिर उसी को हम म्यूटॉन्स कहते हैं। अब ये म्यूटॉन्स, म्यूटेशन मीन्स वॉट? डैट मीन्स द सडन चेंज इन एनी पार्ट ऑफ अ जीन। जीन के किसी भी पार्ट में कोई सडन चेंज आ जाता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं। अगर हम कहें कि दिस इज द वन जीन एंड इट रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, और सो व्हाट इज दैट? अगर यहाँ पर कोई चेंज आ गया ए की जगह बी, सॉरी यू ए आ जाता है, या यहाँ पर यू जी आ जाता है, तो आप
means change आ गया, that is called as mutation. तो सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पर कि म्यूटेशन होता है उसको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं. सो दिस इज अबाउट द जीन. लुक एट द डायग्राम. दिस इज द सिस्टम दैट दैट एनकोड्स प्रोटीन. दिस इज रिकॉन. रिकॉन मीन्स व्हाट? दीज आर द यूनिट ऑफ जीन एंड हियर क्रॉसिंग ओवर टेक्स स्पेस. सो दिस पार्ट इज this is called as recon. Here mutation A and D gene इनमें कुछ changes पाए गए हैं, तो इसको हमने कहा कि ये क्या है, neurons. Okay, this is about the gene. ठीक है, genes के बारे में. So here now gene concept. Gene concept is what? It was given by T.H. Mauger and Muller, and they said that genes are located on chromosomes. Genes kaha hote hain? Chromosomes ke upar hote hain. And it determines inka kya kaam hai? They determines physical and physiological characters of the organism. Organism ke jo physical characters hai aur physiological characters means their internal activity of the body. That are all determined with the help of gene. They are controlled by genes. Third point, human genome contains 40,000 genes. Means, अगर हम human beings की बात करते हैं, तो human beings में जो chromosome है, diploid set अगर हम कहें, तो that is what? That is 46. And in these chromosome, the number of genes are 40,000. In human beings, genes, human genome contain 40,000 genes. Genes arranged in a chromosome. Chromosome के ऊपर तो होते हैं genes, but कैसे arrange रहते हैं? तो they are arranged in a beaded structure. That is, in a beaded structure. And every gene has specific location on chromosome. Chromosome के ऊपर हर एक gene की एक अपनी specific location होती है, and that is called as locus. That point where the gene is located, that is called as locus. And gene can be found in more than one form. हर एक gene के दो form हो सकते हैं, या multiple alleles, multiple form भी हो सकते हैं. जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मेंडल्स लॉ. पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें एक कैरेक्टर लिए गए थे, ट्रेट लिया गया था, डेट इज टॉलनेस. सो कैपिटल टी शोज द टॉलनेस और डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी शोज द रिसेसिव कैरेक्टर. सो दीज आर व्हाट? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दीज आर द एलील्स. मीन्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वन जीन. एक ही जीन है जो कि क्या कर रही है, लेंथ को डिटरमाइन कर रही है, लेकिन इसके दो फॉर्म हैं, एक टॉलनेस को शो करती है और दूसरी डॉर्फनेस को शो करती है. इनको हम एलील्स कहते हैं. सो हर एक जीन की मोर देन वन फॉर्म हो सकता है, जिसको हम एलील्स कहते हैं. मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी आप पढ़ेंगे अभी, दैट इज द ब्लड ग्रुप. आपको मालूम है कि किसी का ओ होता है, ए होता है, या बी पॉजिटिव होता है. तो ये क्या है, ये डिफरेंट एलील्स हैं उस ब्लड ग्रुप के. ओके, एंटीजन से. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इन अ जीन कंसेप्ट, जीन शो रेप्लिकेशन. जीन्स में रेप्लिकेशन होता है, मींस दे आर मल्टीप्लाइड. Recombination takes place in them and they are grow in numbers. So this is about the gene concept. इसके अलावा भी कुछ ऐसे functions हैं जीन के जो कि पाए जाते हैं, that is capacity to do replication. अगर जीन replicate होंगे तो DNA replicate होगा, inherit from one generation to next generation, offspring में पहुँच जाते हैं genes. फिर म्यूटेशन में टेक प्लेस इन जीन. जीन्स में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं,
और यह ऑकेशनली होता है। अगर इन जर्म सेल्स के जीन्स में आता है तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाता है, और अगर सोमेटिक सेल्स में ऐसा कोई म्यूटेशन होता है तो दैट इज नॉट चेंज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो जिसके कारण वेरिएशन पाया जाता है। जीन इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जीन्स में और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ सेल, सेल के फंक्शंस की इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होना या इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।